अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफसल बट्टू ते तुसी वेखदे पए हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते दोस्तों ये वीडियो किसान आटोज़ एंड ट्रैक्टर पार्ट्स फेसबुक पेज पर भी वेखी जा सकती है। ते अज मैं तुहाडे वास्ते लिया जनाब बिलारस 510 ते पिछे इस दे प्लांटर आलू का सीजन जिहड़ा जोरों शोर नाल जारी है साडे इलाके विच। साडा इलाका जनाब जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर, इस साइड ते जनाब आलू माशाल्लाह बेतहाशा हुंदा है ते काफ़ी लगाया जाता है दोस्तों। तो अज मैं तुहानूं किसानों को मालूमात भी लैंदा वी इहदा खर्चा किन्ना आंदा है ते ट्रैक्टर का खर्चा की है ते डीजल वध गया ते इहनां ते की असर पवेगा, आओ गलबात करने आ। ते दोस्तों ए आ गया जनाब बिलारस 510 ते पिछे इस दे है प्लांटर ते दो जवान उपर खड़े ने ते इहदे नाल जनाब ड्राइवर भाई मौजूद ने, मालक भी है ने मुख्तार भाई, उन्होंने गल करने ते उहदे बारे सानू दसदे ने आलू दी काश्त दे बारे, ताकि जिन्हें भी किसान भाई ये फसल लगाना चाहते हैं उन्होंने अंदाजा हो भी इस इन्ना खर्चा आता है, इनिया बोरियां लगदिया ने, ताकि वो अपने जहनी तैयारी कर लवन। तो आओ गल करिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, की हाल चाल है मुख्तार भाई? भी ठीक है मुख्तार भाई, अपनी आलू की फसल शुरू हो गई माशाल्लाह। तो किन्ने आलू बीजते पे आप? 20 किले। तो ये मैं दसो कि बीज ला पे आप? एस्ट्रेस लाने पे। लाल मजीका। अच्छा लाल मजीका। सांटे। ये तीन वैरायटियां लगाते पे हैं। ये मैं दसो जी आप जमीन की तैयारी की है शुरू तो लैके तो इस मरहले तक कितना खर्चा आया है तो पहले की किया है? ये जी इस तो लैके तो 12000 रुपया खर्चा डीजल का आया। 12000। सब तो पहले तुसा की काम किया है? पहले जी दाई मिंट तो टोका फेरा। अच्छा टोका फेर तो उसके बाद गोबला फेरे। अच्छा उसके बाद टिलर फेरा है, उसके बाद तो लेजर करवाई। अच्छा लेजर करवा ते उसके बाद तो चीजर फेरा है दोरा। अच्छा चीजर फेरन तो बाद तू जी मोर टिलर फेरा है, मोर तो रोटावेटर फेरा है। सही मोर टिलर फेरा है, मोर रोटावेटर फेरा है। उसके बाद एंड ते खाद पाते चार्जर बोरे थले खाद पाते तीन डीएपी एक एसओपी थोड़ा जी उच्चा बोलिया जनाब। जी आलू देखो आप हैगी ना कोर थोड़ी जी तो जमीन चाह जल्दी जर्मिनेशन पानी लग जाए तो जमीन हो जाती हार्ड होने दा आदे आदे वत्तर नाल है जमीन दे वत्तर नाल ही जमीन दे वत्तर नाल कोर जल्दी बाहर आ जाए। अच्छा मतलब फुट पैसण दे ठीक हो गया। ते इस तो बाद किनिया खादा लावणियां ने आपां? इस तो बाद जी चार बोरियां भी ला सकने हैं, पांच भी ला सकने हैं। पांच बोरियां लाजमी, चार यूरिया ते एक नाइट्रो दी। चार बोरियां यूरिया एक नाइट्रो। ते स्प्रे किन्ने करने पवणगे? स्प्रे सात स्प्रे भी सात स्प्रे। अच्छा हफ्ते बाद स्प्रे हुंदा है? हर हफ्ते बाद। हर हफ्ते बाद स्प्रे करना पैंदा है? हर हफ्ते बाद स्प्रे। टोटल खर्चा किन्ना आ जावेगा? टोटल खर्चा जी ऐसे ते 90 टू 95000 आ जाएगा। 90 टू 95000। ये बी अपना है या मुल लेके? मुल लेके बी। मुल लेके मुल लेके। हुण जेड़ा डीजल महंगा होया है एदे ते आपां नूं कोई मतलब भी किन्ना को नुकसान होया है? नुकसान ते बड़ा ही होया, 900 रुपए दा नुकसान है।
अच्छा 900 रुपए का नुकसान होया जरा कल दी डेट च वध्या 60 लीटर मगरू 900 रुपए का नुकसान होया 900 रुपए का नुकसान कल मतलब जिते तुसी 12000 दा बालदे हैगे हो हुण तुहानू 13000 दा बालना पवेगा 13.5000 1500 रुपया किले मगरू जमींदार दी कंड ते आ गया ठीक हो गया ते इस तों बाद आपां केड़ी फसल बीजांगे इस तों बाद जी आड़ते उत्ते बारिया मक्की ए किन्ने महीने दी फसल है ए है जी 100 दिन पका के पटाइए फिर 100 दिन 110 दिन थोड़ा उच्चा बोलना ना तुसी दूर भी फिर हां हुण दसो ए 100 दिन तो 110 दिन दे अंदर पूरे तैयार हुंदे ने आलू जेड़े सही जेनुइन पका ते आपां पटने अच्छा ते जेड़ी कच्ची पटाई किन्ने महीने दी है ओ 60 65 75 दिन तक पट भरा मार दे अच्छा ठीक हो गया ते हुण इहनूं चलावणा किसे आपां इन चलाओ तो असं विखाइए थोड़ी परफॉर्मेंस तो दोस्तों ए चेक कर लो जनाब ए बोरियां पईयां ने सामने बीज दियां ए तोड़े पए ने ते आ हुण वेख्या भी एक मैं गल होर पुछना चाहना मुख्तार भाई ए मैनूं दसो ये किन्ने बंदे जरूरी हुंदे ने प्लांटर ते प्लांटर ते जी 4 बंदे जरूरी हुंदे ड्राइवर समझ दी या ड्राइवर तो बगैर 4 बंदे ए तुहाडे 2 बंदे फिर घट ने2 गेड़े पै ज ਇਹਦੇ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ 7-8 ਤੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਰੀਏ 7-8 ਤੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰੀਆਂ 4 ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਹਾਂ 4 2 ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ 2 ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ 2 ਵੀ ਵਾਂਡਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ 2 ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ 50 ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 40 ਕਿਲੇ 40 ਕਿਲੇ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ 10 ਕਿਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਲੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਤੇ ਆਈ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਰ ਅਗਾ ਆ ਜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਖਾਦ 7200 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ 10 ਕਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ 10 ਲੱਖ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਡੀਏ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ 1 ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ 1500 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਪੀ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ 1 ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਾਰਸ ਬਿਲਾਰਸ ਪੀ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪੀ ਜਾਵੇ ਕੁਝ 8-9 ਲੀਟਰ 8-9 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਖਾਣ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਖਤਾਰ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਫਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਲਾਂਟਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਲੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਲਾਂਟਰ ਫੇਰੂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ ਟਾਇਰ ਅਗਲਾ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈਏ ਇਸ ਦੀ
बंदा उपर बैठा दोस्तों ताकि कोई कौली खाली जाती है तो वो आलू रखेगा। दो लाइन जा रही एक साइड से दो एक साइड से थले दो खेलियां कवर करता पे है। दोस्तों टीवी अखबारों से गल्लां होर होंदियां ने ते जमीनी हकायक कुछ होर होंदे ने। जमींदारों के खर्चे किसानों के बहुत ज़्यादा है ने ते जेड़ी इनकम आती है वह बहुत थोड़ी है। जदों भी कोई चीज़ महंगी होंदी है उसका ज़्यादातर जिहड़ा ना दारोमदार उहदा नुकसान किसानां नूं ही हुंदा है। खास रही लात होण ट्रैक्टर होण खाद होवे डीजल होवे क्या बात है बिलारस दी। कोई भी छोटा ट्रैक्टर हुंदा ते ज़्यादा चुकीना सी इसका बंपर बुंपर लग्या हुआ है जिदी वजह नाल थोड़ा चुकी जाए। अच्छा कर लो दोस्तों बहुत ही मेहनत तलब काम है जमींदारे का ते मेहनत नाल ही फल मिलता है दोस्तों। अपने दोस्तों खेलां विखा देवां खेलां माशाल्लाह बहुत ही गहराई विच हैगियां ने दोस्तों ते जिस तरीके खेलां मजबूत हैगियां ने इस तरह आलू भी मजबूत ही लगनगे इहदे विच काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला फेरा मुकम्मल हो गया है। एक बारी प्लांटर नूं फुल कर दईए तो दो फेरे आवणगे दोस्तों ते हर दूसरे फेरे इस नूं फुल कर लैंदे ने ताकि रस्ते विच आलू मुक ना जावण। ते बिलारस दी परफॉर्मेंस भी वेख ली तुसां ते किसान भाई नाल गल भी कर ली है महंगाई दे हवाले नाल जिस तरह कीमतां वधियां ने उस तरह जनाब उहदा असर डायरेक्ट किसान ते पै रहा है। अगर फसलों की कीमतां ना वधणगियां तो किसान मेरा ख्याल मजीद नुकसान में जाएगा। तो हुण मैं तुहाडे सारे दोस्तों तों लैना इजाजत तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।